हेलो एवरीवन, मैं हूं सोहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लैब। तो आज हम बात करने वाले हैं ऋषभ पंत के बारे में। बता दीजिए, ऋषभ पंत को लेकर जो बड़ा अपडेट है कि वह ट्रेड होने वाले हैं। या दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा वजह है कि आईपीएल 24 का ट्रेडिंग विंडो अभी भी ओपन है। ऐसे में खबर निकल के आ रहा है कि ऋषभ पंत जाने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग में। या दोस्तों, लेकिन बता दें कि यह खबर बिल्कुल फेक है, क्योंकि ऋषभ पंत आईपीएल 24 में दिल्ली कैपिटल्स में ही रहने वाले हैं। और यहां तक कुछ वीडियो बनाया जा रहा है कि आईपीएल 25 में चेन्नई सुपर किंग में जा सकते हैं। तो ऐसा भी कुछ बड़ी खबर नहीं है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने कप्तान बनाया है और लगभग 5 सालों के सोच कर ही कप्तान बनाया है दिल्ली कैपिटल्स ऋषभ पंत को। और ऋषभ पंत को भी दिल्ली कैपिटल्स पर भरोसा है, इस वजह से दिल्ली कैपिटल्स का ही कैप्टनसी करते हुए नजर आने वाले हैं ऋषभ पंत आईपीएल 24 में। आईपीएल 25 में कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो अगली बड़ी खबर का बात करें तो यह जुड़ा हुआ है आईपीएल 24 के शेड्यूल को लेकर। या दोस्तों, बता दें कि बीसीसीआई बेहद ज्यादा टेंशन में आईपीएल 24 के शेड्यूल को लेकर, क्योंकि उसी वक्त भारत में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। इसके अलावा बता दें कि आगे T20 वर्ल्ड कप 24 भी है। ऐसे में बेहद ही कम समय में आईपीएल पूरा कराना है आईपीएल 24। इस वजह से कुछ मुकाबले अब खबर निकल के आ रही है यूएई में हो सकती है, दुबई, अबू धाबी और शारजाह में कुछ मुकाबले कराया सकता है बीसीसीआई, और फिर से भारत में होगा, यानी कि मिक्सिंग हो सकता है इस बार का आईपीएल। या दोस्तों, यह बेहद ही बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है आईपीएल 24 के शेड्यूल को लेकर। वहीं एक बड़ी खबर जो कि मुस्तफिजुर रहमान को निकल आ रहा है। बता दें कि मुस्तफिजुर रहमान को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है चेन्नई सुपर किंग के मैनेजमेंट और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में। आगे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने क्लियर दे दिया था कि मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल 24 के लिए पूरी तरह से अवेलेबल रहेंगे। लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है कि मुस्तफिजुर रहमान कुछ मुकाबले मिस कर सकते हैं, इस वजह से चेन्नई सुपर किंग का मैनेजमेंट बेहद ही निराश है, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान अगर कुछ मुकाबले मिस करते हैं तो चेन्नई सुपर किंग को दिक्कत हो सकती है। इसी वजह से कंटिन्यू बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और चेन्नई सुपर किंग के मैनेजमेंट के बीच बातचीत चल रही है मुस्तफिजुर रहमान को लेकर। खबर यहां तक है अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नहीं मानता है तो ऐसे में कोई और खिलाड़ी को शामिल कर सकती है चेन्नई सुपर किंग मुस्तफिजुर रहमान के जगह पर। उसमें हेजलवुड के आगे नाम निकल के आ रहा है। तो वही अगली बड़ी खबर का बात करें तो वह जुड़ा हुआ है फिल सॉल्ट को लेकर। जी हां दोस्तों, फिल सॉल्ट जो कि एक बेहतरीन बल्लेबाज अभी करंट में नंबर 2 पर है। इससे पहले बहुत नीचे थे, लेकिन जिस प्रकार का अभी परफॉर्मेंस है कमाल के, लगातार 2 शतक लगाती है T20 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। ऐसे में अब बड़ी खबर निकल के आ रहा है कि फाइनली आईपीएल 24 में दिख सकते हैं, क्योंकि वो अनसोल्ड गए थे। लेकिन एक टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स जो कि बेहद ज्यादा इंटरेस्टेड है फिल सॉल्ट में। तो ऐसे में फिल सॉल्ट KKR से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों, यह कुछ बड़ी खबर जो कि आईपीएल को निकल के आ रहा था। आपको यह खबर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।